नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? खड़ानी साहब से मिलने। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? अंदर पुलिस बैठी है। तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना अगर बॉस ने तुम्हें देख लिया तो पुलिस के हवाले कर। यही है वो, डोंट मूव वरना गोली मार दूंगा। हाथ उठा, तलाश लो इसकी। He's clean, sir. कुछ नहीं इसके पास। Extortion money चाहिए। सर कैसी extortion money सर? मैं तो यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। इन्होंने दादा से promise किया था सर। एक कौन सा दादा? कौन सा दादा? किस इलाके का रे? हैं? सर वो वाला दादा नहीं। इन्होंने मेरे दादाजी से promise किया था सर। मेरे दादाजी से। ए नाटक कर रहा है साले तू? किसके नाम पे छोड़ रहा है? बोल किसके? कौन भाई है तेरा? सर मेरा कोई भाई नहीं है। घर में बस दादा दादी है, एक माँ है और एक बहन है सर, और कोई नहीं है। मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ। चलो रे साले को, चल रे चल। सर, सर वो बिल्कुल इनोसेंट है। तुम कैसे जानती हो उसे? सर वो एक बार पहले भी यहाँ कर गया था नौकरी के लिए, और उसने बॉस को दिखाने के लिए अपने सर्टिफिकेट्स में मेरे पास छोड़े थे। सर वो एक क्रांतिकारी का पोता है, एक शहीद का बेटा। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वो इनोसेंट है। थरानी ने कुछ राजनेताओं के इशारों पर उसके घर बार को भिखवाकर उसे दिल्ली से यहाँ फेंक दिया। आपसे कितनी एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी उसने? बड़ी 25 लाख मांगा था। नहीं, फोन पर तो तुमने 50 लाख कहा था ना। और शर्मा जी, ये जो तुम इनसे सर सर करके बात कर रहे हो, कभी गरीबों से भी इस तरह बात कर लिया करो। उनकी तो ठीक से कंप्लेन लिखने तक की फुर्सत नहीं होती हमारे डिपार्टमेंट के पास। राजनाथ गुरु को बुलाओ प्लीज। आप जरा खड़े हो जाइए जी। मैंने आपसे खड़े होने के लिए कहा है, और जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए इसी तरह खड़े रहना। माफी चाहता हूं राजनाथ, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें खासी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। सर बेइज्जती तो हम गरीबों की किस्मत में लिखी होती है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। प्रथम श्रेणी में एमएससी पास करने के बाद तुम जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को ऐसे घटिया लोगों के दफ्तर में काम के लिए चक्कर लगाना पड़े, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है तुम्हारा। यू आर इंसल्टिंग मी इंस्पेक्टर। अंग्रेजी का रौब झाड़ के तू मुझे डरा रहा? Hey, mind your language. मेरा दिल्ली तक पहुंच है नहीं। निजी आवाज में बात कर, वरना एक शरीफ आदमी को झूठे केस में फंसाने के चक्कर में तुझे अंदर डाल दूंगा। और रही तेरी दिल्ली की पहुंच की बात, तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अपनी इस पहुंच को तू अपने तक सीमित रख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी यह पहुंच तुझे ऊपर पहुंचा दे। आप दोनों जा सकते हैं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। कुछ बोलो। क्या बोलो? तुम फिर खामोश हो गए, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ एक क्रांतिकारी की कुर्बानियों का और इन राजनेताओं के एहसानों का। कहीं तुम बदला लेने की तो नहीं सोच रहे हो? मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। बहन की शादी नजदीक आती जा रही है, दादा को लगता है कि मैं रोज नौकरी पर जाता हूँ, और मेरे पास दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं है। तुम सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह देते? फायदा? अभी मैं अकेला टेंशन में हूं, फिर सब टेंशन में हो जाएंगे। मैं ये नकली हंसी हंस भी लेता हूं, लेकिन उनसे तो उनकी मुस्कुराहट, सुखचैन सब कुछ छिन जाएगा। Yes, you're right. लेकिन जब शादी का समय एकदम सर पर आ जाएगा तब क्या करोगे? समय खुद समाधान लेकर आता है। दिवाली के दिए कोठियों और बंगलों में भी जलते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में भी। वो गरीब जो दो वक्त की रोटी बामुश्किल जुटा पाता है, वक्त आने पर त्योहार भी धूमधाम से मनाता है। बस वैसे ही जब समय आएगा तब मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। कैसे होगी, कब और किन हालात में होगी, ये बस वो ऊपर वाला ही जानता है। कभी किसी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े तो दिल खोल कर कह देना, मुझे गैर मत समझना।
इसे क्या देख रहे हो? मेरी खातिर अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, इतनी परेशानी उठाई, कोई गैर तो ये सब नहीं कर सकता। आखिर क्या रिश्ता था मुझसे? प्यार का रिश्ता। ऐसा लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। उस फिल्म प्रोड्यूसर, कॉर्पोरेटर, मिल ओनर को तुम ही लोगों ने मारा है ना? हाँ? नहीं साहब, उन लोगों को मारने में अपना कोई हाथ नहीं है साहब। नाम ले, हाथ खड़ी खोल सालों की। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। मूव। बाबू भाई, मेरी बात तो सुनो बाबू भाई। मैंने हर बार आपको टाइम पे इन्फॉर्म किया कि नहीं किया ना? हाँ, इस बार मुझे पता ही नहीं लगा कि उसने अरेस्ट कब किया। अब जैसे मुझे खबर लगी कि आपके छोकरे लोगों को उसने एनकाउंटर कर दिया है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ ना। लेकिन साला ये तो बोल सकता था, वो साला हरामी अपना छोकरा लोग को अरेस्ट किया है, मैं मिनिस्टर को बोल के उसको छुड़वा तो सकता था। देखो बाबू भाई, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे एक बार ACP बना दो, फिर देखो। अरे बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कुछ खबर तो देना मांगता था कि नहीं? इसे कुछ नहीं मालूम रे सुअर के पिल्ले। ए भाई बोल भाई। बाबू भाई। वही तो बोला मैं, बाबू पिल्ला। अभी सुन, तेरे उन छोकरों को मैंने परसों गिरफ्तार किया और आज मेरा मूड हुआ तो मैंने उनको गोली मार दी। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं तुझे, तेरे उस भवानी चौधरी और मंत्री परमार को भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि तेरे उन छोकरों ने मरने के पहले मुझे बता दिया है। मेरे पास उनके पकड़ इसको, मेरे पास उनके वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ऑडियो कैसेट में, जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं और मेरी परछाई भी नहीं जानती। वो कैसेट का तुमको कितना पैसा चाहिए? आपन आपली पार्टी से बोल के दिलवा देगा ना? अबे हट साले दल बदलू, उसका इस्तेमाल तो मैं तब करूंगा जब मैं तुझे गोली मार दूंगा। भवानी भाई, तो माजी डेड बॉडी को सल्यूट मारने की बात कर रहा है और आप डर गए? साला इस कुर्सी पे तुम बैठना मांगता था और इस साले डरपोक को तुमने मंत्री बना दिया। बाबू भाई, अभी चुप बैठकर मेरा बात सुनने का। मैंने इलेक्शन में तुम्हारा पार्टी को जिताने का वादा किया था, जिताना? तुम लोगों ने मेरा बच्चा लोग को बचाने का वादा किया था, किधर बचाया? साला सुखदेव टपका डाला ना मेरा आदमी लोग को, मेरे को मारने का बात करता है और तुम लोग इधर बैठ के मजे बजाता है साला। अभी मैं क्या बोलेगा बाबू भाई, सब किस्मत का खेल है यार, किस्मत का खेल है। अगर मेरा पार्टी मेरे को कोई मंत्री संतरी बना दिया होता ना, तो मैं कब का सुखदेव को सुख का नींद सुलवा दिया होता। तुम साला कभी का बात करता है, मैं अभी का बात करता है। अभी मांगता है तो साला उस सुखदेव को टपका सकता है मैं, लेकिन वो पुलिस वाले को मारने का बोला ना, बहुत आड़े का काम होता है, अपना साला पूरा गैंग पूरा कंपनी टेंशन में आ सकता है। अरे बाबू भाई, तने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओ सुखदेव का बही खाता ही मैं लिखूंगा। ये ले, ये ले, ये, ये ले। मैं बंगड़ी पहन के बैठता हूँ, तू टपका साले को। ये छोटे इनको भी एक एक दे दे। नदी नदी नदी, दूर रखो, मेरे से दूर रखो यार, मेरे से दूर रखो, मेरे को डर लगता है। मैं क्या बोलता हूँ बाबू भाई? ओ तू चुप कर रे पटेल, ये मैं समझाता हूँ बाबा ने। बाबू भाई, हम जैसे नेता गोड़ी चढ़ाते नहीं है, चढ़वाते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में ना है, सारे संसार में हारे जैसे दाता भाई ग्रोबन इसलिए बड़े बड़े नाम कमा लेते, पैसा कमा लेते, क्योंकि इनके पीठ पर हम जैसे नेताओं का हाथ होता है। इसलिए बात समझ में आई है कि ना आई है? गोड़ी तू ही चढ़ाएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब। ए दुनिया, क्या कह रहे तेरे को? काय को खड़ी खड़ी सब कांग पे आता है? ए भाई, बनने का है अपन को। दुनिया तुम नशे में हो, उधर पुलिस भी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे डरता है क्या अपन है? ये साला क्या करेगा, ये इंस्पेक्टर अपन का क्या करेगा? जानता है क्या तू मेरे को? जानता है क्या दुनिया,
दिलिया दिलिया भाई बोल रहा भाई के तो ढाई। ए पांडू ये जला आत्मा दे। ए बस्ती वाला लोग अपन छूट के आएगा ना तो अपन को भाई बोलने का भाई। ए मुन्ना जब अपन छूट के आएगा ना तो अपन को सलाम मारने का भाई बोलने का भाई बोलने का क्या उनको चल। क्या बात है बेटा, अच्छा खासा नाच गाना चल रहा था फिर अचानक ये हंगामा क्यों? और ये दुनिया बेटे को पुलिस क्यों पकड़ कर ले जा रही है? दादाजी वो क्या ना दादू, मेरा गाड़ी वीडी देखकर दुनिया को भी भाई बनने का शौक चल रहा है। अरे तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी बेटा, यहाँ तो लड़कियां भी हैं दो चार से कह के उसके हाथ पर राखी बंधवा देते, उसकी भाई बनने की तमन्ना भी पूरी हो जाती और बेटा ये पुलिस का चक्कर भी ना पड़ता। दादाजी यहाँ भाई का मतलब वो नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। इसमें यहाँ और वहाँ क्या बेटा, पूरे हिंदुस्तान में हम भाई को तो भाई कहते हैं। क्यों? जो अपनी बहनों की रक्षा करता है, उनकी आबरू बचाता है, हम उसे ही तो भाई कहते हैं। मैं समझाता हूँ दादू, आपके दिल्ली भी पंजाब में जो गुंडागिरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई उन्हें तो हम गुंडा बदमाश कहते हैं, उसको इधर भाई बोलते हैं। वाह बेटा वाह, पहले तो दादा जैसे पवित्र नाम को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और अब भाई के नाम को भी नहीं बख्शा। क्या हमने इसीलिए देश को आजाद कराया था? चल बेटा चल, रात बहुत हो गई, तू चलकर सो जा और देख तू जो है ना अपनी बहन का ही भाई बनकर रहना, ये बंबई का भाई भाई मत बनना। क्या बोला बे? नमस्ते सर। तेरी तो सर कौन है? उधर गरबे पे हंगामा किया और बोला कि मेरे को भाई बनने का है। तू तो शिवाजी नगर का छोकरा है ना? टैक्सी चलाता है तुझे? सर मैं सोच रहा हूँ किसी पेंडिंग पड़े मर्डर केस में इसे डाल देते। अगर आज हमने इसे किसी झूठे केस में फंसाया तो कल को सचमुच ये भाई गुंडा या डॉन बन जाएगा। हमारा काम जुर्म को खत्म करना है ना कि उसे बढ़ावा देना। इसने पब्लिक प्लेस पे हंगामा किया है ना? जी। 53 लगा इस पे, 10-15 दिन अंदर रहेगा तो खुद सुधर जाएगा। सुन अगर आज के बाद तूने भाई बनने का सोचा भी ना तो मैं 53 नहीं लगाऊंगा, सीधा तेरा एनकाउंटर करूंगा। मेरा नाम सुखदेव सिंह एनकाउंटर है। सब अब भाई तो क्या बहन भी नहीं बनने का, नहीं बनने का साहब, नहीं बनने का साहब, नहीं साहब छोड़ दो। क्या दुनिया? ए दुनिया ने भाई बोलने का, दुनिया बोलता है साला। ए दुनिया पुलिस ए दुनिया ने भाई बोलने का क्या? भाई बोलेगा दुनिया भाई दुनिया। उस नौकरी का क्या हुआ जिसके लिए तुम गई थी? मिल गई। यार तुम लड़कियों का कमाल है, फटाक से नौकरी मिल जाती है और यहाँ जूते घिस गए, ये देखो सोल में होल हो गए हैं। देखो तुम्हें नौकरी दिलवा सकूं ये तो मेरे बस की बात नहीं। हाँ तुम्हारे जूतों में सोल जरूर लगवा सकती हूँ। सोल का होल तलवे तक आ गया है, जिस दिन तलवा घिसने लगा उस दिन जूते ही बदल दूंगा। तुम भी ना। हाय हाय, कैन आई गिव यू अ लिस्ट? नहीं कहीं नहीं जाना है, मैं तो बस यूं ही इनसे बातें कर रही हूँ। ओके चल बाय बाय। तुम उसके साथ गई क्यों नहीं? अगर मैं 2 कदम उसके साथ चलती तो बदनामी 4 कदम मेरे साथ चलती। लेकिन तुम दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हो। कभी हम अच्छे दोस्त थे। क्यों? दोनों ने किसी एक ही लड़के से प्यार किया और किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ी? हाँ कुर्बानी ही तो दी है इस बिचारे ने, लेकिन किसी लड़के के लिए नहीं अपने परिवार की खातिर। मैं तो अब भी चाहती हूँ कि मैं इससे अपनी दोस्ती रखूं, लेकिन हालात और समाज इस बात की इजाजत नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये एक बियर बार डांसर है, इसकी मजबूरियों ने इसे
एक घरेलू लड़की से बियर बार डांसर बना दिया। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय की थी, मगर आखिरी वक्त तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया और फरहाद वापस चली गई। बाप को हार्ट अटैक हो गया, भाई ने खुदकुशी कर ली और घर वालों की सारी जिम्मेदारियां इस गरीब पर आन पड़ी और हालात उसने इसका सब कुछ छीन लिया। इसके घर वालों ने इसकी शादी तय की थी, मगर आखिरी वक्त तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया और फरहाद वापस चली गई। बाप को हार्ट अटैक हो गया, भाई ने खुदकुशी कर ली। डेविड, मुन्ना कहाँ है? नहीं मानेगा तो उसको ठपका डालने का। क्या मुन्ना, मुझे दाऊ के पास ले चल। तेरी हट गई है क्या? तेरे को मालूम है दाऊ कौन है? जानता हूँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। दाऊ के पास जाकर उसके लिए काम करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मुन्ना। लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं और डर कर उठ जाते हैं। मैंने जागते हुए सपना देखा है, बहुत खतरनाक सपना। देख मुन्ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की बारात दरवाजे पर आकर वापस चली जाए। 10 दिन रह गए उसकी शादी को और मैं, मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। कुछ कर मुन्ना। देख, अपन वांटेड है, अगर वांटेड नहीं होता ना तो शायद कुछ कर भी लेता। फिलहाल मेरे पास एक पेटी है, उसे तू रख। उससे कुछ नहीं होगा मुन्ना, बारात पंजाब से आएगी, उनके रहने का खर्च, शादी का खर्च, दहेज का। मुझे दाऊ के पास ले चल, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देख, टेंशन नहीं लेने का, 1,00,000 रुपया मैं तुझको देता है और बाकी 2-5 लाख का मदद अपन दाऊ से मांग सकता है। उसके वास्ते किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। बहुत नौकरी के दरवाजे खटखटा लिए, अब और नहीं। मुन्ना मेरे दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मुझे दाऊ से मिलवा दे। मुन्ना मिलवा देना यार। मिलाता है, कसम देने का क्या जरूरत है? ए राजू, फोन दे। उठाया। दाओ 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 दाओ। ए दाओ, मुन्ना बोलता है। वो अपन तुमको बोला ना अपना दोस्त के बारे में राजगुरु, वो आपसे मिलना मांगता है। काय को? आपके वास्ते काम करना मांगता है। दोस्त है तो उसे 2-5 पेटी दे के मदद करने का, इधर काय को घसीटता है? उसका बहन का शादी आंग पे आयला है, वो थोड़ा परेशानी में है। उसको मदद नहीं धंधा मांगता है, वो अपना पैरों पे खड़ा होना मांगता है। कल ले आना। बेटा तेरो दिल बड़ो है। बिल्कुल, तू तो गरीबन को मसीहा है। गांव में सबको राम राम कह दियो दाऊ, और अपना ख्याल रखना, और अगली बार आना 3-4 दिन के लिए। प्रणाम। खुश रहो बेटा, भगवान तुमको सुखी रखे। अच्छा दाऊ, गाड़ी पे रख दो सामान। अच्छा दाऊ। अच्छा बेटा, राम राम। कमाल है दाऊ, अक्खा मुंबई तुमको दाऊ कह के बोलता है और तुम इस चीचा को दाऊ बोलते। चीचा नहीं है, आइए मेरा मामा का लड़का। हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बड़ा भाई को दाऊ कहते हैं। कृष्ण जी भी बलराम को दाऊच बोलते थे। क्या नाम है तेरा? गुरु, राजनाथ गुरु। बैठ भाई, तेरा कहानी सुना। बहन का शादी? हाँ, वैसे तो बोलता तो मैं तेरा मदद कर सकता है, पर मुन्ना बोलता है तू खुददार आदमी है, कुछ करने को मांगता है तभी तू पैसा लेगा। बराबर है, बराबर है। मेरे को भी जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ नेता लोगों से मेरा बिगाड़ हो गया है, इसलिए वो पुलिस वालों से कह के मेरा छोकरा लोगों का एनकाउंटर करा दिया कि मुन्ना भी वांटेड है। तू नया छोकरा है, तेरे को कोई नहीं पहचानता है। ये कांति भाई है, मैं इससे एक खोखा मांगा है, तो इसे एक खोखा लेकर आएगा, मैं तुझे 10 पेटी देगा, 10 लाख। मेरा बहन का शादी चकाचक हो जाएगा। मस्त चलाए कभी? हाँ, एनसीसी में राइफल चलाई है। उधर आदेश मिला होगा, इधर मजबूरी है। मजबूरी में तो आदमी कुछ भी चला लेता है, अगर वो ना बोलता है तो भाई चलो खोल लेगा,
और उसे गोली मारने का। मैं तेरे को 5,00,000 रुपए देगा, तेरे बहन का शादी हो जाएगा। नीचे गाड़ी है, ड्राइवर भी नया छोकरा है तेरा माफिक। फोटो के पीछे कांति बाई का एड्रेस है। दाओ मेरा नाम राजनाथ गुरु है। हाँ। दाऊ ने भेजा है। मारे करने भी दाऊ का फोन आयो है, लेकिन भाई जी बड़ी मुश्किल से मैं 50,00,000 तक का ही बंदोबस्त कर पाया हूँ। बंदोबस्त कर पाया हूँ? हाँ भाई जी, मेरे करने तो सिर्फ 30,00,000 ही था, बाकी ब्याज के ऊपर दूसरा चरण उठायो। ब्याज पर? हाँ भाई जी। पैसे कहाँ है? पैसा अटे है जी, ले भाई जी। इसको तो हर बात में टेंशन हो जाता है। मुन्ना दाऊ को फोन दे। अरे हमसे 5 पेटी लिया था ये आउट होने का। ए दाऊ, कौन? गुरु का फोन है। आ, इधर दुखों का और लगाने का। आ बोल। दाऊ इसके पास सिर्फ 30,00,000 है, बाकी इसने कर्जा लिया है अपनी जान बचाने के लिए ब्याज पर। अरे इनका बात नहीं सुनने का, धंधे वाला लोग ऐसे सच बात करता है। अरे कनपटी पर दे साले को एक। ये झूठ नहीं सच बोल रहा है दाऊ, सच बोल रहा है। मैं एक क्रांतिकारी का पोता हूँ और एक शहीद का बेटा हूँ। मैंने बचपन से अपने घर में ईमानदारी और सच्चाई को पनपते हुए देखा है। अगर आपको 30,00,000 रुपए चाहिए तो लेकर आता हूं, लेकिन मैं एक बेबस और मजबूर आदमी को गोली नहीं मारूंगा और ना ही किसी को मारने दूंगा। जिसने पैदा किया है वो मेरी बहन की शादी भी करवाए। दाओ ये पूरे 30,00,000 हैं। बैठ। तो जब मेरे पे भड़का तो मेरे को ऐसा लगा जैसे बीते कल का दाऊ बोल रहा है। एक टाइम था मैं बिल्कुल तेरे जैसे था, एकदम ईमानदार उसूल वाला। वैसे आज भी ईमानदारी और उसूल का दामन में नहीं छोड़ेला है, सिर्फ अपन का धंधा कुछ बदल गया है। उस टाइम में मास्टर था, सीधा साधा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जलिया का मास्टर भान सिंह। बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता पूरा गांव मेरे को। मैं जिधर जाता था, राम राम माट साहब, नमस्कार माट साहब, कैसे है माट साहब, अच्छा लगता था मेरे को। एक बार दशहरे का टाइम होगा, हाँ, मेरा सग्गा चाचा का छोकरा लोग मेरा जमीन मेरा जायदाद पे कब्जा कर लिया, मेरे घर से मेरे को बाहर कर दिया। मेरा बूढ़ा मां जो उधर रहता था उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। मैं मास्टर कानून का बात ही जानता था और कुछ जानता नहीं था। मैं कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून का दरवाजा नहीं खुला। हाँ, मेरा भाई लोगों ने मेरे वास्ते हवालात का दरवाजा जरूर खुलवा दिया, इंस्पेक्टर को खरीद दिया मेरे को। 4 दिन 4 रात खूब मरा, आज भी घुटना दर्द करता है, लेकिन उस दिन इतना बुरा नहीं लगा मेरे को। अखा गांव के सामने जिस गांव में मेरा इतना इज्जत था, वो लोग चोर बोल के मेरे को नंगा धौड़ाया। गांव के कुएं के अंदर अधमरा करके लटका थी, लेकिन मेरे को मारा नहीं। बोलो ये चिकलती किया, यही चिकलती किया वो। लेकिन जब मेरे को मौका मिला मैं एक एक को टपकाया। ये गलती मैं नहीं किया, मेरे चाचा के लड़कों को उनके घर के सामने उड़ाया मैंने, और उस कोतवाल को उस कुएं के सामने, और फिर भागकर मैं आ गया मुंबई। पहले बना एक छोटा सा प्यादा, उसके बाद बना हिटमैन, फिर बना डान। ये लोग बोला मेरे को भाई बोलेगा, मैं बोला नहीं मेरे को भाई नहीं बोलेगा। फिर को मेरा गांव याद आता है, मेरे को दाऊ बोलो।
क्योंकि हमारे गांव में बड़े भाई को लोग दाऊ बोलते हैं। गुरु, जब मैं तेरा चेहरा देखा ना, मेरे अंदर का मास्टर जो सोयला था जाग गया। तू जगाया उसे, तू। मैं तेरे बहन के लिए, तेरे छोटी बहन के लिए शादी का पूरा तैयारी किया है। देखेगा तू? तो आ मेरे साथ। देख, देख, ये सब लाया मैं। ये देख, बर्तन, कपड़े, जेवर। ए हलकाट, क्या करता है रे? कितनी बार बोला कि बच्ची के कपड़ों को रिश्तेदारों को जोड़ी बेड़ों से अलग रखने का। ये साले रिश्तेदार पैदाइश में भी आते खाने पीने में, और मरने के बाद चौथे पर भी आते हैं, और शादी के वक्त जोड़े बीड़े लेने पहुंच जाते हैं। कितने लोग आएंगे बारात में? बारात पंजाब से आएगी। 300 लोग होंगे। 300 बराबर, 300 लोग। ए, ऐसे मुंह क्या ताकता है रे? मैनेजर को फोन करना अभी, इस होटल का सारा रूम खाली करने का। 250 लोग इधर रहेंगे, 50 का बंदोबस्त मैं करेगा, बराबर बंदोबस्त करेगा। तू सामान वामान देख ले, सब ठीक है ना? दाऊ, तू मेरे को दाऊ बोला ना, मैं तेरा बहन की शादी में आएंगा। ख्याल रखने का इसका। आएंगा।